उत्तर प्रदेश सहारनपुर से। सहारनपुर भूमाफिया सन्नी नागपाल की संपत्ति पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। अब खबरें विस्तार से। सहारनपुर में आज चर्चित भूमाफिया सन्नी नागपाल की संपत्तियों पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल गया। एसडीएम सदर और विकास प्राधिकरण व पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। एसडीएम सदर किंशुक श्रीवास्तव विकास प्राधिकरण की टीम के साथ जनता रोड पर पहुंची। सबसे पहले उनकी दुकान को तोड़ा गया। उसके बाद टीम सन्नी नागपाल के फार्म हाउस पहुंची, जहां वहां सन्नी नागपाल द्वारा स्विमिंग और बाग बगीचा बनाया गया था। पुलिस ने फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया, इसके साथ ही स्विमिंग पूल को तोड़ दिया। एसडीएम सदर किंशुक श्रीवास्तव ने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लिया गया था, उसके बाद भी विस्फोटन के कारण कार्यवाही की जा रही है। बाबा का बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है एक बार। ये सहारनपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से आज की कार्यवाही कराई जा रही है। इन संपत्तियों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था प्राधिकरण से, और इनको पर्याप्त अवसर देने के उपरांत आज भूमाफिया की कार्यवाही हो रही है। ऐसी कितनी कॉलोनियां हैं जनता रोड जहाँ पर बुलडोजर चलाया? ऐसी बहुत सी कॉलोनियां हैं और सभी पर ये कार्यवाही या तो की जा चुकी है या प्रचलित है वर्तमान में, और अगर अन्य कोई भी संज्ञान में आती है कि इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी।